छात्रों वेलकम। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एक लेबोरेटरी रिपोर्ट के सहारे, एक केस स्टडी के सहारे आप अपना विषय कैसे पढ़ें और कैसे समझें। यह एक पेशेंट का लेबोरेटरी रिपोर्ट देखो और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री विषय समझने की कोशिश करो। अब हर एक रिपोर्ट की नॉर्मल रेंज के साथ तुलना करो, क्या समझ में आता है? पेशेंट की खून की शक्कर खाली पेट और खाने के बाद नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दिख रही है ना? अब अपने प्रश्न खुद तैयार करो और उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। प्रश्न एक, अगर खून की शक्कर नॉर्मल से बढ़ रही है तो यह पेशेंट को कौन सी बीमारी है? और उसका उत्तर है, ये पेशेंट डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त है। प्रश्न दो, डायबिटीज में खून की शक्कर क्यों बढ़ती है? तो उसका उत्तर ऐसा है कि शरीर के पेशी खून की शक्कर यानी कि खून के ग्लूकोज का वापर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए खून में शक्कर बढ़ती है। अगला प्रश्न, शरीर के पेशी खून के शक्कर का वापर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या कारण है इसका? तो इसका उत्तर ये है कि पैनक्रियास ग्रंथि जो नॉर्मल आदमी में इंसुलिन बनाती है उसके आधार से ही शरीर के पेशी ग्लूकोज का वापर कर सकती है। तो इस पेशेंट के बारे में इंसुलिन का वापर नहीं हो रहा है तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट काफ़ी मोटा है और मोटेपन के वजह से चर्बी बढ़ रही है इसके शरीर में और वह इंसुलिन को कार्य करने से विरोध कर रही है और इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो यह केस है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की। अगला प्रश्न ये होगा कि फिर डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है? डायबिटीज टाइप 1 में तो पैनक्रियास से इंसुलिन का उत्पादन होता ही नहीं है और इसलिए टाइप 1 डायबिटीज में भी खून की शक्कर बढ़ती रहती है अगर ट्रीटमेंट न की जाए तो। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि नॉर्मल व्यक्ति के पेशाब में ग्लूकोज पास नहीं होता है मगर यह पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज तो दिख रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब ग्लूकोज खून में 150 से 170 मिलीग्राम के ऊपर जब बढ़ता है तो ग्लूकोज यूरिन में आता है और 150 से 170 मिलीग्राम ग्लूकोज के रेंज को ग्लूकोज थ्रेशोल्ड ऐसे कहा जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि यह ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन क्या है? आपको तो हीमोग्लोबिन के HbA, HbF ऐसे अलग अलग फ्रैक्शन तो पता ही है, तो यह भी एक फ्रैक्शन है जिसे कहते हैं HbA1c मीन्स ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यह ग्लूकोज के साथ बंधन होता है और जब पेशेंट खाने का और ट्रीटमेंट का ख्याल न रखे तो ये फ्रैक्शन बढ़ते रहता है। इस पर एक और दो दिन खाने का असर नहीं होता है मगर दो और तीन महीने तक जब भी पेशेंट अपना ख्याल नहीं रखता है ट्रीटमेंट का और खाने का तब ये फ्रैक्शन बढ़ता है। अगला प्रश्न ये होगा कि अगर इस पेशेंट ने अपना वजन कम किया तो क्या डायबिटीज़ का असर कम होगा? तो इसका उत्तर है जी हाँ, ज़रूर। उससे यह होगा कि शरीर की चर्बी जो है वो कम होने से इंसुलिन शरीर के पेशी तक पहुंच सकता है और पेशी ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब देखो, यह रिपोर्ट समझना टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, क्योंकि ये जो सब वैल्यूज़ आप देख रहे हैं अलग अलग टेस्ट के, वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जमने चाहिए, तो ही कॉन्फिडेंस आता है टेक्नीशियन को कि अपने लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो हमने निकाले हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो आ रहा है ना अब मज़ा मेडिकल बायोकेमिस्ट्री सीखने का एक रिपोर्ट के जरिए।